यह कुरुक्षेत्र का अस्थानेश्वर महादेव मंदिर है जो कि कुरुक्षेत्र के थानेश्वर शहर में स्थित है। यह प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का मूर्ति विराजमान किया गया है जो इस स्थान को और ज़्यादा आकर्षक बनाने में सहायता प्रदान करती है। इस कुंड के बारे में मान्यता यह है कि राजा बाण का कुष्ठ रोग इसके कुछ बूंदों से ही ठीक हुआ था। अपने धर्म के मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर ही भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में सर्वप्रथम पूजा की गई थी। यहाँ पर गौरी शंकर महादेव मंदिर के साथ साथ बसहा बैल जो कि भगवान शिव की सवारी है इनके मूर्ति विराजमान देख सकते हैं। अष्टानुष शब्द का अर्थ होता है शिव का निवास। तो हमें उस पल का इंतजार था कि भगवान शिव का दर्शन कब होगा, लेकिन पहले सुंदर नज़ारों को रिकॉर्ड करते हुए मैं आगे बढ़ता हुआ चला गया। थोड़ी दूर और आगे जाने पे एक सामने सुंदर सा भवन मिला जिसमें भगवान शिव विराजमान थे और उसमें उनकी पूजा अर्चना हो रही थी। भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर मैं फिर आगे की तरफ चला। यहाँ आने के बाद भगवान के दर्शन करके महादेव की कृपा से मन से सभी अशुद्धि निकलकर शुद्ध विचार समाहित हो गया। दीवारों के अंदर भी कई सारी मूर्तियाँ विराजमान हैं। फिर बालाजी के दर्शन के उपरांत मैंने यहाँ का यात्रा संपूर्ण किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल को सेलेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।